Chapter 3, the C1 full pack. Akela was thinking of the time that comes to every leader of every pack when his strength goes from him and he gets feebler and feebler. अकेला उस समय के बारे में सोच रहा था जो हर लीडर का समय आता है हर पैक के जब उसकी ताकत जो है वो उससे कम होती जाती है और वो वीक होता जाता है टिल एट लास्ट ही इज किल्ड बाय द वुल्फ एंड अ न्यू लीडर कम्स अप टू बी किल्ड इन हिज टर्न जब तक कोई नया लीडर नहीं आ जाता उसकी जगह और जो वुल्फ्स हैं उससे उसमें से एक मार ना दे और एक नया लीडर आ जाता है उसकी जगह वो भी किल्ड होने के लिए मरने के लिए Take him away, he said to Father Wolf, and train him as befits one of the free people. Father Wolf जो है वो कहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसे ट्रेन करो इसे तैयार करो जिस जो ये जिसमें से ये वन फ्री पीपल जो है वो जो सारे वुल्फ्स हैं उसमें से एक बन पाए And that is how Mowgli was entered into the C1 wolf pack for the price of a bull and on Baloo's good word. और इसी तरह से Mowgli जो है वो C1 wolf pack में उसकी एंट्री हुई थी For the price of a bull, जो कि उसे एक बुल के प्राइस पे खरीदा गया था और बालू के बोलने से For about 10 to 11 whole years, Mowgli led a wonderful life among the wolves. 10 से 11 पूरे साल तक जो Mowgli है उसने बहुत ही अच्छी जिंदगी जी wolves के साथ रह के He grew up with the cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a child. उसने सारे उन जो छोटे छोटे जो wolves थे cubs थे उनके साथ अच्छा सा समय बिताया बल्कि वो ऑलरेडी जब वो छोटा था वो बढ़ गए थे एंड फादर वुल्फ टॉट हिम हिज बिजनेस एंड द मीनिंग ऑफ द थिंग्स इन द जंगल और जो फादर वुल्फ था उसने उसको उसके जो भी उसका सारा काम था वो सारा उसे समझाया और जो सारी चीजें थी जंगल में वो भी समझाई टिल एवरी रसल इन द ग्रास एवरी ब्रेथ ऑफ द फार्म नाइट एयर एवरी नोट ऑफ द आउल्स अबव हिज हेड जब तक रसल का मतलब साउंड होता है जब तक सारी साउंड ग्रास में जो गरम गरम रात में हवाएं चलती थी वो और जो सारी जो आउल्स जो हैं और जो आउल्स वगैरह होते हैं हमारे जंगल में वो भी उसके सर पे जो भी सारे जो साउंड्स वगैरह निकालते हैं एवरी नोट ऑफ द आउल्स वो एवरी स्क्रैच ऑफ अ बैट क्लॉज एज इट रोस्टेड फॉर अ वाइल्ड ट्री और हर स्क्रैच बैट का वो एक ट्री पे होता था एंड एवरी स्प्लैश ऑफ अ वेरी लिटिल फिश जंपिंग इन अ पूल और जो मछलियाँ जो फिश जो पूल में नदी में ऐसे कूदती हैं जब आवाज़ आती जो फिश जंप करती हैं उसमें आवाज़ आती है वो मेंट जस्ट एज मच टू हिम एज द वर्क ऑफ हिज ऑफिस मीन्स टू एज टू अ बिजनेस मैन उसके लिए भी वो इतना ही मायने रखता था जितना एक ऑफिस एक बिजनेस मैन के लिए अपना ऑफिस का काम मायने रखता है When he was not learning, he set out in the sun and slept and ate and went to sleep again. जब वो कुछ भी याद नहीं कर रहा होता कुछ भी लर्न कुछ भी नहीं सीख रहा होता था वो सन के अंदर ऐसे ही बैठ जाता था और सो जाता था और खाता रहता था और फिर दोबारा से सोने चले जाता था When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. जब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी या वो गंदा हो जाता था तो वो जो पूल थे जो जंगल के जो नदियाँ वगैरह होती हैं उसके अंदर स्विम कर लेता था नहा लेता था And when he wanted honey, Balu told him that honey and nuts were just as pleasant to eat as raw meat. और जब उसे हनी चाहिए होती थी he climbed up for it and that Bagheera showed him how to do. तो वो उसके लिए चढ़ के ले लेता था और Bagheera ने उसे दिखा रखा था कि वो कैसे करना है Balu ने उसे बता रखा था कि जो हनी और नट्स हैं वो उतने ही अच्छे होते हैं जितने एक अच्छा मीट होता है Bagheera would lie out on a branch and call, "Come along, little brother." बगीरा एक ब्रांच पे ऐसे खड़ा हो जाता था लेट जाता था उससे बोलता था कि आओ लिटिल ब्रदर एंड एट फर्स्ट Mowgli वुड क्लिंग लाइक द स्लॉथ बट आफ्टर वर्ड ही वुड फ्लिंग हिमसेल्फ थ्रू द ब्रांच ऑलमोस्ट एज बोल्डली एज द ग्रे एप पहले तो Mowgli बिल्कुल उसे जो ब्रांचेस वगैरह होती थी उसके ऊपर लटक जाता था लेकिन फिर उसके बाद वो जैसे मंकीज वगैरह इधर लटकते हैं ना अपनी पूंछ से बिल्कुल वैसे ही वो भी ब्रांचेस से बिल्कुल बहुत ही ध्यान से कूदता था जैसे कि एक ग्रे एप मंकी जो होते हैं वैसे करते हैं ही टुक हिज प्लेस एट द काउंसिल रॉक टू व्हेन द पैक मेट एंड देयर ही डिस्कवर्ड दैट इफ ही स्टेड हार्ड एन एनी वुल्फ उसने अपनी जगह ले ली थी काउंसिल रॉक के अंदर भी और जब पैक मिलते थे तो उसने वहां पर ये डिस्कवर किया सो ये पता चला कि अगर वो किसी भी वुल्फ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेगा स्टेयर करेगा ज्यादा देर तक The wolf would be forced to drop his eyes. जो wolf है उसको जबरदस्ती अपनी आंखें नीचे करनी पड़ेंगी So he used to stare for fun. तो वो सिर्फ उनको ऐसी मजे के लिए देखता था ज्यादा ध्यान से नहीं देखता था
एट अदर टाइम्स ही वुड पिक द लॉन्ग थॉर्न्स आउट ऑफ द फैट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, और कुछ समय जो उसके दोस्त हैं वो उनके पंजों में से बड़े बड़े जो कांटे लग जाते हैं, थॉर्न होते हैं, वो निकालता था. फॉर वुल्व्स सफर टेरिबली फ्रॉम थॉर्न्स एंड बर्ड्स इन देयर कोट्स, क्योंकि जो वुल्व्स हैं वो सारे बहुत ही, उनको बहुत ही दिक्कत होती थी अगर उनके जो पाँव हैं उसमें अगर कांटे वगैरह चुभ जाएँ तो. He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look very curiously at the villagers and their herd. वो नीचे hillside की पहाड़ी के नीचे जाता था जहाँ पर वो जो lands वगैरह होती थी, cultivated land में जहाँ पर गेहूँ वगैरह होता है रात में वहाँ पे, और बहुत ही ध्यान से सारे villagers वगैरह वहाँ पर जो लोग रहते थे उनके huts में. And he had a mistrust of man because Bagheera showed him a square box with a drop gate so cunningly hidden in the jungle that he nearly walked into it and told him that it was a trap. और उन जो मैन है वो उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बगीरा ने उनको दिखा रखा था कि वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है एक छोटे से गेट के साथ जो कि जंगल में उन्होंने छुपा रखा है, जहाँ पर वो ज़्यादातर नहीं जाता था क्योंकि उसने उसे बता रखा था कि वो एक ट्रैप है. ही लव्ड बेटर दैन एनीथिंग एल्स टू गो विद बगीरा इन टू द डार्क वॉर्म हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू स्लीप ऑल थ्रू द डाउजी डे. उसे बिल्कुल ही लव बेटर देन एनीथिंग एल्स टू गो विद, उसे कुछ भी ऐसा मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था बगीरा के साथ ऐसे अंधेरी रात में इधर उधर घूमना फॉरेस्ट में, और ऐसे या फिर एक बहुत ही लेजी से दिन सो जाना. एंड एट नाइट सी हाउ बगीरा डिड हिज किलिंग, और रात में देखना कि जो बगीरा है वो अपनी किलिंग मतलब कैसे मारता है. बगीरा किल्ड राइट एंड लेफ्ट एज ही फेल्ट हंग्री, जैसे ही बगीरा को भूख लगती थी वो वैसे ही उनको मार देता था. एंड सो डिड मोगली विद वन एक्सेप्शन, और मोगली भी लेकिन एक एक्सेप्शन थी, एक अलग चीज़ थी. एज सून एज ही वॉज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जैसे ही वो बड़ा हुआ मतलब इतना हो गया कि वो सारी चीज़ें समझ सके, बगीरा टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नेवर टच कैटल बिकॉज ही हैड बीन बॉट इन द पैक एट द ब्राइट ऑफ एज अ प्राइज ऑफ अ बैबल्स लाइफ. लेकिन बगीरा ने उसे बताया था कि उसे कभी भी जो कैटल वगैरह जो भैंस वगैरह है उसे कभी भी नहीं छूना, क्योंकि उसे खरीदा ही एक की लाइफ है, एक भैंस की लाइफ है, उसे खरीदा गया पैक के अंदर. ऑल द जंगल इज योर्स सेड बगीरा, बगीरा ने कहा कि सारा जंगल तुम्हारा है एंड यू कैन किल एवरीथिंग दैट यू आर स्ट्रांग इनफ टू किल, और तुम्हारी मतलब जितनी तुम जो भी मार सकते हो, जितनी तुम्हारी हिम्मत है मारने की तुम कुछ भी मार सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ द बुल दैट बॉट यू यू मस्ट नेवर किल और इट एनी कैटल यंग और ओल्ड. लेकिन जिस भैंस की वजह से तुम्हें खरीदा गया है तुम्हें बिल्कुल भी उसको नहीं मारना, ना ही तुम्हें खाना है चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो. दैट इज द लॉ ऑफ द जंगल, ये है हमारा लॉ ऑफ द जंगल, ये हमारा रूल है जंगल का. मोगली ओबेड फेथफुली, मोगली ने उसकी बात अच्छे से मान ली. एंड ही ग्रू स्ट्रांग एज अ बॉय मस्ट ग्रो हु डज नॉट नो दैट ही इज लर्निंग एनी लेसन्स एंड हु हैज नथिंग इन द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ एक्सेप्ट थिंग हु हैज नथिंग इन द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ एक्सेप्ट थिंग्स टू ईट. उसे जितना स्ट्रांग बनना था वो उतना ही स्ट्रांग बना था जितना एक आदमी को, एक बॉय को पढ़ना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कुछ सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है. एंड हु हैज नथिंग इन द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ एक्सेप्ट थिंग्स टू ईट, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में चीजें खाने के अलावा. मदर वुल्फ टोल्ड हिम वंस और ट्वाइस दैट शेर खान वॉज नॉट अ क्रिएचर टू बी ट्रस्टेड एंड दैट सम डे ही मस्ट किल शेर खान. मदर वुल्फ ने मोगली को बता रखा था एक या दो बार कि जो शेर खान है वो बिल्कुल एक ऐसा एनिमल नहीं है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं कि किसी ना किसी दिन तुम्हें उसको मारना पड़ेगा. बट दो अ यंग वुल्फ वुड हैव रिमेम्बर्ड दैट एडवाइस एवरी आवर, लेकिन अगर मदर वुल्फ ने अगर किसी यंग वुल्फ को, किसी छोटे बच्चे को, छोटे वुल्फ को बताई होती तो उसे याद रहती है हर घंटे में. मोगली फॉरगॉट इट बिकॉज ही वॉज ओनली अ बॉय, लेकिन मोगली है वो भूल गया क्योंकि वो एक बॉय था, एक आदमी का बच्चा था. दो ही वुड हैव कॉल्ड हिमसेल्फ अ वुल्फ इवन इफ ही हैड बीन एबल टू स्पीक इन एनी ह्यूमन टंग, लेकिन वो अपने आप को भले ही एक वुल्फ मानता था जबकि उसे ह्यूमन टंग में बात करनी आती थी. शेर खान वॉज ऑलवेज क्रॉसिंग हिज पाथ इन द जंगल फॉर एज अकेला ग्री ओल्डर एंड फीबलर द लेम टाइगर हैड कम टू बी ग्रेट फ्रेंड्स विद द यंगर वुल्व्स ऑफ दी. जो शेर खान है वो हम मोगली के हमेशा उसको आसपास जंगल में इधर उधर जाता हुआ मिल जाता था, और अगर हम अकेला की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया था, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, लेजी हो गया था. तो जो छोटे छोटे वुल्फ के कब्स होते थे, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वुल्फ्स के, वो उनके साथ काफ़ी अच्छे दोस्त बन गया था.
pack who followed him for scraps, a thing Akela would never have allowed if he had dared to push his authority to the proper bounds. जो अकेला है वो उन सबके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था, जो जो पैक्स पे सारे जो यंगर वुल्स थे जो उसे छोटे छोटे चीजों के लिए फॉलो करते थे, जो कि एक चीज अकेला कभी भी अलाउ नहीं करता, वो कभी भी नहीं मानता अगर उसने अपनी जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी भी इधर उधर से हिला भी दी होती, थोड़ा सा बाहर चला गया होता अपनी लिमिट से. देन शेर खान वुड फ्लैटर देम एंड वंडर दैट सच फाइन यंग हंटर्स वर कंटेंट टू बी लेड बाय डाइंग वुल्फ एंड अ मैन्स कब. शेर खान उन्हें इस बात से खुश होता, मतलब खुशी से बताता उनको, और ये सोचता कि ये जो सारे छोटे छोटे वुल्फ के कब्स हैं जो आगे हंटर्स बनने वाले हैं, जो मतलब किल करते हैं सारे, वो सिर्फ एक डाइंग वुल्फ जो कि मरने वाला जो वुल्फ है और एक मैन और एक आदमी के बच्चे के साथ ही सारा जो पैक है वो लीडर है, इन दोनों मतलब यही दोनों लीड कर रहे हैं ये सारे पैक को. दे टेल मी शेर खान वुड से, शेर खान उन्हें बताता कि वो मुझे बताते हैं दैट एट काउंसिल दे डेयर नॉट टू लुक हिम बिटवीन दी आईज. यहाँ पर जो हिम है वो हमारा मोगली है, कि मतलब उस शेर खान उन्हें बोलता था कि वो मुझे बताते हैं कि इस काउंसिल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसकी आंखों में देख पाए. एंड द यंग वुल्स वुड ग्राउल एंड ब्रिस्टल, और जो यंग वुल्स हैं वो सारे ऐसे घुर्राते थे. Bagheera, who had eyes and ears everywhere, knew something of this, and once or twice he told Mowgli in so many words that Shere Khan would kill him someday. Bagheera की आंखें और कान हर जगह होते थे और उसे हर चीज के बारे में लगभग पता होता था, और उसने एक दो बारी मोगली को बताया भी था अपने वर्ड्स में कि शेर खान जो है वो उसे किसी ना किसी दिन मार देगा. मोगली वुड लाफ एंड आंसर, मोगली वुड हंसता और बोलता ही आई हैव द पैक एंड आई हैव हिम. बालू दो ही सो लेजी माइट स्ट्राइक अ ब्लो और टू फॉर माई सेक, मेरे पास पैक, मेरे पास सारा वुल्स का जो पैक है, जो पैक काउंसिल है वो उसकी बात कर रहा है, और मेरे पास वो है भालू, उसमें भालू की बात हुई है, बल्कि वो बहुत ही लेजी है, वो बहुत ही आलसी है, लेकिन वो फिर भी एक या दो स्ट्राइक या एक या दो कुछ तो मार ही देगा मेरे लिए. वाई शुड आई बी अफ्रेड, मैं क्यों डरूंगा. इट वॉज वन वेरी वार्म डे दैट अ न्यू नोशन केम टू बगीरा, एक दिन बहुत गर्म दिन में उसके पास एक नया आइडिया आया बगीरा के पास, बॉर्न ऑफ समथिंग दैट ही हैड हर्ड, जो कि उसने वो सुना ही रखा था. परहैप्स इकी द पॉर्क्यूपाइन हैड टोल्ड हिम, शायद जो इकी एक पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है, शायद उसने उसे बताया था. बट ही सेड टू मोगली वेन दे वर डीप इन दी जंगल, लेकिन उसने मोगली को तब बताया जब वो बहुत ही जंगल के उसमें बहुत ज्यादा अंदर से. एज द बॉय ले विद हिज हेड ऑन बगीराज ब्यूटिफुल ब्लैक स्किन, जब मोगली ने अपना जो सर है वो बगीरा की ब्लैक स्किन पर रखा हुआ था. लिटिल ब्रदर हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू दैट शेर खान इज योर एनिमी, वो उसे बोलता है कि छोटे भाई तुम्हें मैंने कितनी देर बता रखा है जो शेर खान है वो तुम्हारा दुश्मन है. एज मेनी टाइम्स इज देयर आर नट्स इन दैट पाम सेड मोगली हु नेचुरली कुड नॉट काउंट, कहता इतनी बार बता रखा है जितनी उस पाम में नट्स हैं, जो कि मोगली सही में काउंट नहीं कर सकता था कि कितने हैं, तो इतनी बारी उसने उसे बताया था. वॉट ऑफ इट आई एम स्लीपी वगैरह एंड शेर खान इज ऑल लॉन्ग टेल एंड लाउड टॉक लाइक माओ द पिकॉक, वो कहता है क्या है मैं तो बहुत ही स्लीपी सा हूँ वगैरह, मेरे को तो नींद सी आती रहती है, और शेर खान की इतनी इतनी बड़ी टेल है उसके, इतना बड़ा वो सारी बातें करता है जैसे कि माओ पिकॉक. बट दिस इज नो टाइम फॉर स्लीपिंग, बालू नोज इट, आई नो इट, द पैक नोज इट, इवन द फुलिश डियर नो, द बाकी हैज टोल्ड यू टू. लेकिन वो उसे बोलता है कि ये कोई तुम्हारा टाइम नहीं है सोने का, बालू को भी पता है, मुझे भी पता है, और जो सारा पैक है, जो सारे वुल्स हैं उनको भी पता है, जबकि बिल्कुल जिनका बिल्कुल दिमाग भी नहीं है जैसे डियरों का उनको भी पता है, और तबाकी ने तो तुम्हें बताया ही था. हो सेड मोगली, तबाकी केम टू मी नॉट लॉन्ग अगो विद सम रूट टॉक दैट आई वॉज अ नेकेड मैन्स कप एंड नॉट टू फिट टू डिक बिग नट्स, तबाकी तो मेरे पास आया था बहुत टाइम थोड़े टाइम पहले कि कोई अजीब सी बात करने मेरे से कि मैं तो एक मैन का कब हूँ, मतलब मैं तो एक मैन का बच्चा हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं कर सकता, मतलब ये सारे जो फुल्स हैं वो मेरे को किसी मैं यहाँ पर फिट नहीं कर सकता था, मेरे हिसाब से नहीं है ये सारे. बट आई कॉट दबाकी बाय द टेल एंड स्वंग हिम ट्वाइस अगेंस्ट अ पाम ट्री टू टीच हिम बेटर मैनर्स, लेकिन मैंने दबाकी की पूछ पकड़ी और उसे पूरा इधर से उधर घुमा के पाम ट्री जो ट्री होता है उसके बिल्कुल अगेंस्ट फेंक दिया उसे, ताकि उसे सारी अच्छी मैनर्स आए, सारी समझ आए. That was intent foolishness, for though Tabaki is a mischief maker, he would have told him of something that concerned him closely. Open those eyes, little brother. कहता ये कैसी बेवकूफी है, Tabaki तो फिर भी इतनी शैतानी करता है. He would have told him of something that concerned him
क्लोज दी, वो उसे बता दिया है, मतलब इसमें शेर खान की, वो उसे कुछ ना कुछ बता ही देता है इस बारे में अगर उसे कोई चीज दिक्कत दे रही होती। अपनी आंखें खोलो छोटे भाई, शेर खान डेयर नॉट किल हिम इन द जंगल। शेर खान की तो हिम्मत भी नहीं है कि वो उसे जंगल में मार दे। बट रिमेम्बर अकेला इज वेरी ओल्ड एंड सून द डे कम्स व्हेन ही कैन नॉट किल हिज बग एंड ही विल बी लीडर नो मोर। अकेला जो है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, और जैसे ही वो दिन आएगा जब वो अपना जो बक है, मतलब कोई भी एनिमल जो वो नहीं मार पाएगा, तो वो लीडर नहीं रहेगा। मैनी ऑफ द वुल्व्स दैट लुक्ड हिम ओवर व्हेन ही वाज़न्ट ब्रॉट टू द काउंसिल फर्स्ट आर ओल्ड टू एंड द यंग वुल्व्स बिलीव एज शेर खान हैज टॉट देम दैट अ मैन कब हैज नो प्लेस इन द पैक इन अ लिटिल टाइम ही विल बी अ मैन। और जो सारे जो वुल्व्स हैं जो उसके जो हमारे अकेला के साथ थे वो भी जो उसके साथ थे जो वुल्व्स वो भी अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और जो यंग वुल्व्स हैं जो बड़े हो रहे हैं वो ये समझते हैं जो उन्हें शेर खान ने समझाया है कि जो एक मैन का कब है उसका पैक में कोई जगह नहीं है, मतलब बच्चे की कोई जगह नहीं है उसमें, कुछ टाइम में वो एक आदमी बन जाएगा, मैन बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड वॉट इज अ मैन दैट ही शुड नॉट रन विद हिज ब्रदर्स एट मोगली। और मोगली कहते हैं कि एक मैन क्या ही होगा जब वो अपने भाइयों के साथ नहीं दौड़ेगा, नहीं रहेगा। आई वॉज बॉर्न इन द जंगल, मैं जंगल में ही पैदा हुआ था। आई हैव ओबेड द लॉ ऑफ द जंगल, मैंने सारे रूल्स माने हैं जंगल के। एंड देर इज नो वुल्फ ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दोज फ्रॉम हुज पॉज आई हैव नॉट पुल्ड अ थॉर्न, श्योरली दे आर माई ब्रदर्स। और ऐसा कोई भी वुल्फ नहीं होगा जिसके मैंने पंजों में से थॉर्न ना निकाले हों, तो वो मेरे भाई हैं। Bagheera stretched himself at full length and half shut his eyes. Little brother said he feel under my jaw. Bagheera ने अपनी सारी बॉडी बिल्कुल पूरी जितनी जितना लंबा है अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया, बिल्कुल अंगड़ाइयां ले ली, और उसे बोला कि छोटे भाई मेरे जबड़े के नीचे अपना हाथ लगाओ, फील करो मतलब उसे। Mowgli put up his strong brown hand and just under Bagheera's silky chin where the giant rolling muscles were all hid by the glossy hair he came upon a little bald spot. मोगली ने अपना जो उसका हाथ था वो उसके बगीरा के चिन के नीचे बिल्कुल लगाया सिल्की सिल्की, जहाँ पर थोड़े उसके बहुत बड़े बड़े मसल्स थे जो कि हेयर से छुपे हुए थे। उसने जब उसे टच करा तो उसे कुछ बाल स्पॉट देखा, बाल मतलब बिल्कुल उस स्पॉट पे बाल नहीं थे, बाल मतलब गंजा होता है। देर इज नो वन इन द जंगल दैट नोज दैट आई बगीरा कैरी दैट मार्क। इस पूरे जंगल में किसी को भी नहीं पता कि मैं बगीरा के पास ये ऐसा मार्क है, द मार्क ऑफ द कॉलर एंड येट लिटिल, कि मेरे पास ये कॉलर का मार्क है और फिर भी। छोटे भाई, आई वॉज बॉर्न अमंग मैन एंड इट वॉज अमंग मैन दैट माई मदर डाइड। और मैं भी आदमियों के बीच में ही पैदा हुआ था और आदमियों के बीच में ही मेरी मदर जो है वो मर गई थी। इन द केजेस ऑफ द किंग्स पैलेस एट उदयपुर, उदयपुर में जो किंग्स का पैलेस था उन केजेस में उन्हें पकड़ के रखा हुआ था। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट आई पेड द प्राइस फॉर हिम एट द काउंसिल व्हेन ही वाज़न्ट अ लिटिल नेकेड कब। सिर्फ इसी की वजह से मैंने इसका प्राइस भरा था उसके लिए काउंसिल में जब वो एक छोटा सा कब नहीं था। यस आई टू वॉज बॉर्न अमंग मैन, हाँ मैं भी आदमियों के बीच में ही पैदा हुआ था। आई हैड नेवर सीन द जंगल, मैंने कभी भी जंगल नहीं देखा था। द फेड मी बिहाइंड बार्स फ्रॉम एन आयरन पैन टिल वन नाइट आई फेल्ट दैट आई वॉज बगीरा द पैंथर एंड नो मैन्स प्लेथिंग। वो मुझे आयरन बार, मतलब बिल्कुल बार जो होती है ना, जेल टाइप होते हैं, उसके पीछे से उसमें को खाना खिलाते थे एक पैन के अंदर, जबकि एक रात मुझे ऐसा लगा कि मैं बगीरा हूँ, पैंथर कोई आदमी का खेलने की चीज नहीं। एंड आई ब्रोक द सिली लॉक विद वन ब्लो ऑफ माई पॉ, और मैंने अपने उसका जो पॉ था, उसका जो पंजा था, उसने उसका जो लॉक था केज का वो तोड़ दिया और वो वहां से चलाया एंड केम अवे। एंड बिकॉज आई हैड लर्न द वेज ऑफ मैन आई बिकेम मोर टेरेबल इन द जंगल देन शेर खान, इज इट नॉट सो। और इसी की वजह से मैंने नए नए तरीके समझ गया था मैं आदमियों के, और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बुरा बन गया जंगल में, शेर खान से भी ज्यादा। क्या ऐसा नहीं है?